मैं जानता था कि आप यहाँ आएंगे, आपके चरणों का स्पर्श पाकर अपार सुख की अनुभूति हो रही है। मुझे आदेश करिए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा करके धन्य हो सकता हूँ। शिरडी और उसके आसपास के लोगों की पीड़ा, उनके दुखों, उनके रोगों को दूर करने के लिए आपकी इन वनस्पतियों की आवश्यकता है। मेरे पास जो कुछ भी है उसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ साई। अपने खाने पीने का ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कल गांव में जो पूजा है उससे पहले आप आ जाए। हाँ, मैं सामान बेच के जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। चल दिए काशीराम, अहमदनगर में बड़ा बाजार लगेगा सरकार, वहीं जा रहा हूँ। अपने व्यापार की बड़ी चिंता है तुम्हें? शिरडी की कोई चिंता नहीं सरकार, व्यापारी का तो धर्म है व्यापार करना। हर पर मुझे उपदेश दे रहा है तो काशीराम, यदि मैं चाहूँ तो शिरडी के बाहर पैर नहीं रख सकता। तो समा सरकार, आपको क्रोधित करना मेरा मकसद नहीं था। सरकार, यज्ञ के लिए जिस चंदे की मांग की गई है मैं आज शाम को ही भिजवा दूंगी सरकार। काशीराम जी के हिस्से का चंदा हम अभी वसूल कर लेते हैं। क्यों सरकार, क्या कहते हो आप? बहुत ही अच्छा विचार है। सरकार सरकार, अरे अभी के लिए इतना काफी है, बाकी का चंदा घर आकर ले लेंगे। काशीराम, जाने की अनुमति दे रहा हूं, आकर भेंट देना ना भूलना, वरना बहुत दुखी हो जाऊंगा मैं। जी सर। ओम। जंगल से जा रहे हो ना काशीराम, संभल के जाना। हाँ, मैंने सुना है डाकुओं का नया गिरोह आ गया है, उन्हें जो भी सामान दिखता है लूट लेते हैं। सुनिए, मत जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जोखिम तो उठाना पड़ेगा गोदा, ये बाजार साल में एक बार ही लगता है, व्यापार करने का अच्छा मौका है। हे खंडोबा, इनकी हर मुसीबत से रक्षा कीजिएगा। लोगों का जाना आना बंद होगा जंगलों से तो हम डाकुओं का क्या होगा? दिन भर से कोई हाथ ही नहीं लगा, अगर आज कोई नहीं मिलता है तो हमें बाहर जाकर गांव ही लूटने पड़ेंगे। तुम लोग अगर अपनी बकबक बंद करके थोड़ा सतर्क रहते तो दो दिन पहले जो चूक हुई थी वो नहीं होती। डाकुओं के हाथों से लोग अगर ऐसे ही बच के निकलते रहेंगे तो डाकुओं का डर ही निकल जाएगा। आगे वही जा सकते हैं जिनके कर्म अच्छे हों। भेंट लाए हैं सरकार के लिए और आप लोगों के लिए भी। कर्म अच्छे नहीं है तो क्या हुआ अंता जी, अपने लिए भेंट तो लाए हैं ना। लाओ जाओ अंदर, आराम से जाना। हा? Thank you.
के बारे में बात तो नहीं की? नहीं सरकार, सबके दिमाग में तो अब पूजा और यज्ञ ही घूम रहा है। सबने चंदा जो दिया है। अरे ओ, मैंने कहा था ना, लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। खुद पर आए तो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। आप महान हो सरकार, पूरे शिरडी के एकले वो पालनहार आप ही तो हो। अरे अंता जी, ये क्या कर रहे हो? इस महापूजा में लगने वाली सामग्री सबसे ज्यादा इन्हीं के घर से तो आई है, तो सबसे पहले इन्हीं का हक बनेगा ना। आइए पधारिए। कहने को पूरे गांव की पूजा है, सामान सारा हमारे घर से लूट कर लाया गया है। पाप किसी का छूना पड़ रहा है हमको। भूमि को पवित्र रखना हमारा धर्म है। तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले शिरडी से गुजरते रहते हैं, लेकिन शिरडी ने किसी को रुकने नहीं दिया। इस भूमि को शापित अपवित्र होने नहीं दिया, लेकिन समय के साथ साथ यहां अधर्म प्रबल हो गया। इस भूमि को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखने के लिए आज हम अग्निदेव को प्रसन्न करेंगे, ताकि वो हमारी पुकार देवताओं तक पहुंचाए और देवता इस भूमि को पुनः पवित्र करने की कृपा करें। हरिओम। गांव वालों के सामने साईं का नाम नहीं ले रहे, पर मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। ना ही वो ढोंगी है, ना ही वो शिरडी छोड़कर भागा है। साईं ने मुझसे एक वादा किया था और वो वापस जरूर लौट कर आएगा। फकीर लग रहा है, इसके पास क्या मिलेगा? आजकल फकीर ही बहुत कुछ छुपा के रखते हैं। इसके पास कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर नहीं मिला तो मरेगा बेचारा। इसे मारकर क्या फायदा? भय, लोगों में यह चेतावनी जाना जरूरी है कि जब भी डाकू मिले उससे बचने के लिए उनके हाथ में धन होना चाहिए। इसके बाद कोई भी यहाँ से गुजरेगा खाली हाथ नहीं गुजरेगा। चलो। क्या बात है भाई साहब, आप ठीक तो हैं? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है।
कहां भटक रहे हो? भटके तो तुम हो, डाकू राणा के इलाके में आ गए। ऐसे क्या देख रहे हो? डाकू राणा का नाम नहीं सुना कभी? कभी तो मरने चले आए यहाँ, नए मालूम पड़ते हो। मैं तो हमेशा से यही था। अच्छा, फिर भी डाकू राणा का नाम नहीं सुना? डाकू राणा इस जंगल का राजा है, राजा वही फैसला करता है इस जंगल में कौन जिएगा कौन मरेगा। लोग उनके नाम से कांप उठते हैं। चलो निकालो जो भी तुम्हारे पास, सामने रख दो। देने के लिए अमूल्य धन है मेरे पास, लेकिन उसे सामने नहीं रखा जा सकता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस करना होता है, आत्मसात करना होता है। लगड़ू सरजा, लेकर आओ उसे। लो, आ गया बुलावा। डाकू राणा का बुलावा मतलब यम का बुलावा। पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, आइए आसन ग्रहण कीजिए। नहर किनारे फेंक दो इन दोनों को। जानवर पानी के साथ साथ खाना भी खा लेंगे। जंगल में रक्त और वक्त सिर्फ राणा की मर्जी से बहता है। आंखें नीचे कर। साई, जरूर मेरी ये घबराहट साई के लिए है। हे खंडोबा, मेरे बेटे की रक्षा करना। अपने सच की रोशनी से डरते हो या झूठ के अंधकार से? ना तू बुद्ध है और ना मैं अंगुलीमा। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? सुना नहीं तुमने? मैं इस जंगल का राजा हूं। लेकिन इस जंगल में तुमसे भी बड़ा एक राजा है राणा। इस जंगल में
और भी कोई राजा है। और तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर। अगर ये बात सच हुई तो मैं तुम सबको मार दूंगा। नहीं नहीं सरदार, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस जंगल में आपके सिवा कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। जंगल का पत्ता पत्ता आपके नाम से कांपता है। मेरे आदमी इस जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को नहीं जानते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो है ही नहीं। ठीक है, तो आज मिलवाओ मुझे। कहाँ है वो? यहीं, हमारे बहुत पास। ये कैसा राजा है हा? जो दिखाई नहीं देता। तुम अपनी आंखें बंद करो और उसे मन से याद करो, वो जरूर दिखेगा। खेल खेल रहे हो हमारे साथ? नहीं राणा, मैं सच कह रहा हूं। तुम अपनी आंखें बंद करो और उसे मन से याद करो, वो जरूर दिखेगा। ठीक है, तेरे मरने से पहले ये खेल भी खेल ले, बहुत मनोरंजन होगा। वैसे भी तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, मेरे मन की आंखों में अगर वो राजा दिख गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो राजा नहीं दिखा तो मैं तेरा गला काट दूंगा। तेरा राजा मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? लगता है मुझसे डर कर छुप गया है, सामने नहीं आ रहा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश में तेरा गला कटने वाला है। ये क्या फालतू के पेड़ पौधे दिखा रहा है? अब तू खेल हार गया है, अब इसकी सजा मिलेगी। ऐसे खड़ा है जैसे ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा है। राणा की कुल्हाड़ी किसी को छू भी जाए तो खून की नदियां बहा देती है, फिर इसके शरीर से खून की एक भी बूंद कैसे नहीं बही? ना रक्त तुम्हारा और ना वक्त तुम्हारा। मेरे एक इशारे की देर है। अब राजा कौन?
शस्त्र की धार पर जो राज करे उसे राजा नहीं कहते राणा। राजा तो वो है जो अपनी प्रजा की सेवा करे, उनकी रक्षा करे, भयभीत नहीं बल्कि अपनी प्रजा को भय मुक्त कर दे, उनसे कुछ ले नहीं बल्कि अपना सब कुछ अपनी प्रजा को दे दे। और जानते हो राणा, असली राजा तो अपनी प्रजा के सुख का श्रेय भी नहीं लेता, क्योंकि वो उसे अपनी उपलब्धि नहीं अपना धर्म मानता है। उपदेश देके भटकाओ, तुमने कहा इस जंगल में एक राजा है तो नजर क्यों नहीं आ रहा है? हम इंसानों की एक समस्या है राणा, जानते हो क्या, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। जब तुमने जंगल के इस राजा को देखना चाहा, उसे ढूंढना चाहा, तो तुमने अहंकार की नजर से देखा, नफरत की नजर से देखा, चुनौती की नजर से देखा। पर जिस राजा की मैं बात कर रहा हूं, अहंकार तो उसमें है ही नहीं, नफरत तो उसमें है ही नहीं, तो फिर वो तुम्हें कैसे दिखता? आदर्श राजा वो है जिसकी करुणा, जिसकी अच्छाई, जिसका प्रेम राज्य के कण कण में, प्रजा के उद्धार में साफ नजर आए, जो प्रजा के सम्मान, प्रजा की सुरक्षा, प्रजा के सुख में साफ प्रतिबिंबित परिभाषित, वही राजा। इसीलिए जब तुमने जंगल के इस राजा को देखने की कोशिश की, तो वो तुम्हें इस जंगल के पेड़, पौधे, पक्षियों के खिलते हुए चेहरों में नजर आए, उनके रूप में नजर आए, और तुम इस जंगल के देवता, वन देवता की महिमा को देखकर भी देख नहीं सके। बताओ राणा, दोष किसका है, देखने वाले का या दिखाई देने वाले का?